जो दूसरे मामलों को इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है, उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे, उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी, आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोग उसे भी हैं कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे वही लंगर भंडारों का गुरुद्वारों से आम लोगों से आम समाज से उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे, जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज़्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहाँ नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से यह होता है कि एक दिन इकट्ठी कर दी और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे वो अपने प्रोग्राम, 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा लें पूरे दिसंबर तक के, फिर 1-1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं अब अरिंदर जी हैं, अरिंदर लखवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, पंजाब के भी हैं अपने, और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं, वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा जिससे भी होगा वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। आसिफ हाँ, जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं क्यों? वो ये बताए ना भारत सरकार के, आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने MSP कहा उसको गारंटी कानून बना दो, हमने C2+ वाला 50 वाला फार्मूला दे दो वो नहीं दे रहे, हमको मार्केट रेट दे दो वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। MSP तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार MSP देगी, लेकिन हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो यो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चला गया, इस गैंग में कौन कौन शामिल है, ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चला गया। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पर होता था और वो खेत पे ही अनाज बजा कर कब्जा करते थे। आज भी अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। MSP तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार MSP देगी, लेकिन हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो यो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चला गया, इस गैंग में कौन कौन शामिल है, ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल है। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पर होता था और वो खेत पे ही अनाज पर जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। पर सर, गैंग जोन से MSP का विरोध करेगा वो गैंग है, जो भी MSP का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। इसमें गैंग के यूपी की 2 विधानसभा चुनाव आने वाली है, करेंगे अगर अगर ये फैसला लिया गया कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी ना निकल जाए। चलो वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर देने दो, वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया, नहीं वही डर था, डर वही था। क्या पता क्या डर था, किसी को डर, भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़ के मैदान उसके पीछे नहीं भागते। आपका देश जिस तरह बात हो रही है, बड़ी लड़ाई आपने जीती, कोई देश स्तर पर पहले तो आपने विरोध, या अभी कहां लड़ाई जीती, या 1 कोरोना और 3 काले कानून एक बीमारी थी उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, या 1.5 साल में बीमारी आई 1.5 साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी, कोरोना के साथ ही आई थी। कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी,
इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है, कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों उसको सड़क खाली करवाने तक कब तक सरकार और करवा दो खाली सड़क, हम क्या मना कर रहे, करवाओ खाली सड़क। उसके आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी उनको। बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से? प्रस्ताव आया नहीं भाई, हमने चिट्ठी भेज रखी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करें और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं नहीं, जो हमने कहा बात सुन लो फिर। MSP एक बीमारी या एक बीमारी थे, तीन काले कानून लाइन देनी छोड़ दिए उनको। बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से? प्रस्ताव आया नहीं भाई, हमने चिट्ठी भेज रखी हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करें और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहे तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है कौन से स्कूल में एक ही ट्रेनिंग ले रखी सबने? नहीं नहीं, जो हमने कहा बात सुन लो फिर। MSP एक बीमारी या एक बीमारी थे, तीन काले कानून, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए पूरा देश का किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए वापसी नहीं जा रहा, इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे, और कोई इलाज नहीं है भाई। सवाल है इससे जुड़ा, हाँ बताओ। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो उसको नहीं मानने हैं? कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले, उन्हें बुलवाओ, उनसे बात करेंगे हम। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए क्या रणनीति रहेगी? पहले पंजाब में बायकॉट करने का ऐलान किया गया था। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बता देंगे हम क्या रहेगी रणनीति। जो आशीष जो लखीमपुर खीरी कांड में है उनको आपने कहा कि मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, लेकिन वो अभी भी पीएम उस पर कोई बात नहीं कर रहे। आप बात नहीं कर रहे कोई, तो उसके लिए ही तो ये हर जगह जो देश में चर्चा होती है, यहाँ पे भी हम आए तो उसका नाम आया कि उसको बर्खास्त करो। तो नहीं वे करेंगे जब तक वो नहीं होगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा लखीमपुर को, तो हमेशा उसका नाम लिया जाता रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से MSP को छोड़ के, एक MSP बहुत बड़ा मुद्दा है वो मान लिया, इसके अलावा कुछ और संयुक्त किसान मोर्चे ने कोई प्लान बनाया है किसानी के लिए कि जिससे कि किसान जो है खुशहाल हो सके? जैसे अमृतसर की अगर बात करें, बॉर्डर की, बॉर्डर के यहाँ पे खुल जाता है तो यहाँ से टमाटर सब्जी और जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जा सकती है, उससे आगे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी उसको खोलने को तैयार नहीं है सुरक्षा। तो नमक भी बंद कर दो भाई, नमक क्यों आ रहा है वहां से? सेंधा नमक सारा वो पाकिस्तान का खा रहे, उसको भी बंद कर दे, वो भी तो आ ही रहा है ना। मतलब हमारे किसान का टमाटर नहीं जा सकता, यहाँ से जो सब्जी वो जा सकती है वो बंद है, लेकिन वहां से सामान आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां को पाकिस्तान की जनता को फायदा होगा, मोदी सरकार की ये प्लान है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान का फल फ्रूट वो वहां ना जा सके, तो इसलिए रोक है। सुरेंद्र तोमर ने कहा जो पराली का मुद्दा जिसपे अपराध माना जाए उसे अपराध मुक्त किया गया, उन्होंने बयान दिया। अरे दे दिया होगा, जब हमने तो ये कहा था ना उनको कि आप बगैर पराली के चावल कैसे पैदा होता है वो टेक्नोलॉजी बता दो हमको, तो उसके उस पर उन्होंने दे दिया बयान। एक बॉर्डर के पार 1600 एकड़ जमीन है, 4 साल से उनका मुआवजा पेंडिंग है, वो पंजाब के जो बॉर्डर एरिया के किसान काफी दिल्ली भी गए थे। हाँ। उसमें ये था कि जब संयुक्त मोर्चा, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले इन किसानों की बातचीत होनी थी होम मिनिस्टर से, बीच में ये आंदोलन छिड़ गया और उस संबंध में बातचीत नहीं हो पाई। ये जैसे ही ये इशू आएगा या भारत सरकार बातचीत करेगी तो ये इशू हमारी प्रायोरिटी पे है, और पहले भी ये किसान आए थे जो जम्मू कश्मीर के आसपास के किसान थे, वे किसान हमारे पास में आए थे और इसी तरह की प्रॉब्लम पूरे बॉर्डर क्षेत्र में होगी।
सर प्रधानमंत्री का जब भाषण हुआ था उन्होंने ये कहा था कि कुछ अलगाववादी ताकतें जो हैं इस आंदोलन के अंदर हैं, क्या लगता है कि अलगाववादी ताकतों को लेकर इस तरह का डिसीजन लिया गया? नहीं कहाँ है वे ताकतें भाई, पकड़ो ना उनको। प्रधानमंत्री जी ने बोला आर प्रधानमंत्री भाई पकड़ो उनको, कहाँ है वे? सर किसान जो शहीद हुए हैं 700 से ज्यादा, किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को क्या मतलब जो है उनकी तरफ से जो है जोर डाला जा रहा है उनको लिए मांग करी कि उनको कंपनसेशन दे। वो जब बातचीत होगी जब भारत सरकार और संयुक्त मोर्चा आपस में बैठेगा, भारत सरकार तो बात ही करने को तैयार नहीं है ना अभी। यादगार बनाने की मांग भी की जाएगी, आप प्रेस के जरिए तो अपनी बात रख सकते हो। हम तो कह रहे हैं ना कि भारत सरकार बातचीत करे, एक उसका वो तय करे, एक रूपरेखा मॉडल एक तैयार करे। यादगार बनाने की मांग की जाएगी। यादगार बनाने की बात करी, जमीन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जमीन दे और उनका एक स्मारक वहाँ पे बनाए। जो ये लड़ाई संयुक्त मोर्चे ने आपको देखा, बॉर्डर सिंह को बॉर्डर सभी ने मिलकर लड़ी, तो इन फ्यूचर लंबी इसके बाद ये संयुक्त मोर्चा इसी तरह ही काम करेगा, इसी तरह पूरे देश के किसान जो एक पहले तो कहते थे कि भारत पंजाब का हरियाणा का और कुछ यूपी के हैं, अब पूरे देश का जब बन गया तो इन फ्यूचर जब भी कोई लोग के मसले आएंगे लोगों के तो ऐसे ही संयुक्त मोर्चा जहाँ ऐसे ही आगे